नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक गोयल और आप देख रहे हैं न्यू वेल टेक्निकल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये वीडियो हम बना रहे हैं डाइट के ऊपर। ये आपको पता ही, हमारा मोबाइल पेयरिंग का फ्री कोर्स चल रहा है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डाइट कितने प्रकार का होता है और मोबाइल फील्ड के अंदर क्या काम करता है। तो डाइट का जो मोस्टली काम होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होता है। जिस प्रकार से दोस्तों मैंने चार्जर ले रखा है, इसको हम लाइट में लगाएंगे तो हम लाइट में लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ से ये 5 वोल्ट डीसी निकालेगा। तो इसी प्रकार से इसके अंदर डायोड लगा होता है जो डायोड हमें एसी से डीसी के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है दोस्तों, और डायोड का हमारे मोबाइल फील्ड के अंदर क्या प्रयोग होता है और सब बातें दोस्तों मैं हम इसी वीडियो के अंदर करने वाले हैं। हाँ, तो दोस्तों इसी वीडियो के अंदर हम सब आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि डायोड मोस्टली किस प्रकार से काम करता है, कितने प्रकार का होता है। और अभी तक दोस्तों आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों आप प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल का आइकन बना इसे दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आपको किसी भाई को अगर किसी प्रकार का डोंगल बॉक्स है, किसी प्रकार का टूल एक्टिवेशन करवाना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप हमको मैसेज कर सकते हैं। तो आपको जो बेस्ट प्राइस होगा वो हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे डायोड के ऊपर, हमारे मोबाइल फील्ड के अंदर डायोड का क्या प्रयोग होता है। और दोस्तों हम ओनली मोबाइल फील्ड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों वैसे डायोड अलग बहुत प्रकार की होती है और अलग अलग डायोडों का अलग अलग काम होता है, अलग अलग सिंबल होता है, अलग अलग नंबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मोबाइल फील्ड के अंदर यूज होने वाले डायोड का बारे में बात करेंगे। नंबर एक हमारी होती है रेक्टिफाइड डायोड, जिसको हम नॉर्मल डायोड बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद होते हैं ESD डायोड होता है, और जिनर डायोड होता है, और LED डायोड होता है। ये डायोड दोस्तों मोस्टली मोबाइल फील्ड के अंदर यूज़ होता है, वैसे जीनर डायोड का यूज़ बहुत कम होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल डायोड, जो रेक्टिफाइड डायोड होता है। इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे आप देख पा रहे हो, एक साइड से प्लस होता है, एक साइड से माइनस होता है, जिसको हम एनोड और माइनस को कैथोड बोलते हैं दोस्तों। और जब हम इसको सक्समेटिक के अंदर रीड करेंगे तो इसका डिनोट इलेक्ट्रिक डी और वी मिलेगा, और मोबाइल के अंदर देखने के में कुछ इस प्रकार से ब्लैक मिलेगा और एक साइड से सिल्वर पट्टी मिलेगा। जो सिल्वर पट्टी वाला साइड होगा वो हमारे कैथोड होगा, माइनस होगा, और जो पूरा ब्लैक ज़्यादा होगा वो एनोड होगा, प्लस होगा। और ये हमारा नॉर्मल डायोड होता है, वो वन वे काम करता है। जैसे हम एनोड से 5 वोल्ट प्लस देंगे तो दोस्तों ये आगे पास कर देगा, लेकिन हम माइनस वोल्टेज देंगे तो ये हमारा पास नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, और जिस प्रकार से आप देख पा रहे हो ये हमारा डायोड है, और ये एक साइड से आप देख पा रहे हो ऊपर एक सिल्वर सा पट्टी दिखाई दे रहा है, जिस साइड से सिल्वर पट्टी दिखाई दे रहा है ये हमारा माइनस है और नेगेटिव है, और जो हमारा नीचे का साइड है वो हमारा ब्लैक हमारा पॉजिटिव है। और जैसे मैंने आपको बताया था, सक्समेटिक में देखने में इसका डिनोटिंग लेटर डी मिलेगा और सिंबल कुछ इस प्रकार से मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप डायोड की पहचान कर सकते हैं कि हमारा डायोड लगा हुआ है और ये इसका सिंबल होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके टेस्टिंग के बारे में, क्योंकि डायोड का हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ख़राब है या सही है। तो दोस्तों नंबर एक, तो दोस्तों हमें कोई भी कंपोनेंट होता है उसका सही टेस्टिंग हमें बाहर निकाल के, बोर्ड से बाहर निकाल के किया जाता है। अगर डायोड हमारा वन साइड से वैल्यू देता है तो इसको हम दोस्तों ओके मानते हैं। और फॉल्टी कंडीशन की हम बात करें तो अगर दोनों साइड से अगर वैल्यू ना दे तो हम इसको ओपन मानेंगे। अगर दोनों साइड से अगर हमारा डायोड बीप दे गया तो इसको हम शॉर्ट मानते हैं, और दोनों साइड से अगर वैल्यू आ गया तो इसको हम दोस्तों लीकेज मानते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम डायोड की चेकिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ तो दोस्तों अब हम बात करेंगे ESD डायोड के बारे में। जो इसका फुल फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रिक स्टैटिक डिस्चार्ज होता है, और जो हमारा रियल वर्ल्ड के अंदर दिखने में कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। और ये दोस्तों मोस्टली वहाँ पर लगता है जहाँ से हम बाहर की चीज़ें कनेक्ट करते हैं, जैसे हमारा हेडफोन हो गया, फोन ऑफ पत्ता हो गया, डिस्प्ले जैक हो गया, बैटरी का पत्ता हो गया, कोई भी चीज़ें हम हाथ से टच करके कनेक्ट करते हैं वहाँ पे हमारा ESD डायोड लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होता है कि जैसे हमारे शरीर की कोई भी एनर्जी होती है, हमारे शरीर का जो एक्सटर्नल चार्ज होता है वो हमारे मोबाइल के अंदर इंटर ना हो सके। और ये जो डायोड होता है ना, जो ये डायोड क्या काम करता है, अगर हमारा कोई एक्सटर्नल चार्ज मोबाइल के अंदर इंटर करता है तो ये डायोड ना अपने एक साइड से अपना जो भी चार्ज होता है उसको ग्राउंड कर देता है। इसलिए दोस्तों इस ESD डायोड को हमेशा पैरलर के अंदर लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और जैसे हम इसको सक्समेटिक के अंदर देखेंगे तो कुछ सिंबल इसका इस प्रकार से मिलेगा, और इसका डिनोटिंग लेटर होगा वो TBS भी हो सकता है और ESD भी हो सकता है।
ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम इसकी पहचान कर सकते हैं सक्समेटिक के अंदर। और ये दोस्तों हमेशा पैरलर के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे हो इसका एक साइड रजिस्टर्ड से कनेक्टेड है और एक साइड हमारा जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो ये हमेशा दोस्तों पैरलर के अंदर लगा होता है। और अब हम इसकी टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि जैसा कि आप ये पिक देख रहे हो, ये हमारा ESD बैंड होता है। इसको हमारे इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि जो हमारा शरीर का एक्सटर्नल एनर्जी होता है वो हमारा मोबाइल के अंदर इंटर ना कर सकें। जो प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं वो दोस्तों इस बैंड का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी टेस्टिंग, जो हमारा टेस्टिंग होती है उसको, अगर दोनों साइड से हमारा बीप आ गया तो दोस्तों ये हमारा फॉल्टी कंडीशन के अंदर माना जाता है। और जो ESD होता है इसको हम बाहर निकाल के चेक करेंगे तो हम किसी साइड से कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए, तो अब हम इसको ओके कंडीशन मानते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि नॉर्मल डायोड और इसकी दोनों की टेस्टिंग और दोनों का सिंबल सब कुछ अलग होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों LED डायोड के बारे में। और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो लाइट मेटिंग डायोड होता है। ये दोस्तों हमारी जो एक मोबाइल के अंदर लगने वाली फ्लैश लाइट ही होती है। ठीक है दोस्तों, ये क्या करता है, ये डायोड एक साइड से जैसे ही वोल्टेज देंगे तो दूसरी साइड से दोस्तों ये अपनी एनर्जी से लाइट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों हमारा लाइट मेटिंग डायोड काम करता है। ठीक है दोस्तों, हाँ तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने सीखा कि डायोड किस प्रकार से काम करता है, क्या इसका काम होता है। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने पास में जितने ग्रुप उन्हें शेयर कर दीजिए। हाँ तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जाए मध्य मातरम, बाय बाय, टेक केयर।